नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आप जो स्टोरीज का ट्रांसलेशन करते हैं जो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है और छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो ट्रांसलेशन करते हैं तो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके पास्ट टेंस में होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। गो का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता, वेंट का ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, कैन का कम प्रैक्टिस होता है, कुड का ज़्यादा होता है, विल का कम होता है, वुड का ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट टेंस यानी स्टोरी, स्टोरी यानी जो बीत चुकी है, बीत चुका है यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो भाई जो हम स्टोरी से भी हम पढ़ेंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर आपको पास्ट टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे। तो वही चीज़ मैं ध्यान में रखते हुए आज मैंने ऐसे और मोबाइल फ़ोन लाया है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट टेंस के भी सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, वर्ड्स मिलने वाले बहुत सारे, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के भी बहुत सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स की प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, बहुत काम आने वाली है। लास्ट तक के देखेंगे नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगा। और वैसे भी मोबाइल फोन के बारे में बहुत ही अच्छा ये ऐसे लगा मुझे आपको इसके मोबाइल फोन के लाभ हानि सभी के बारे में, आपको कॉन्स प्रोज जो होते हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलने वाला है। प्लीज लाइक कर देंगे, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास, लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि वॉच टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि आप लोग ज्यादा देर तक वीडियो को नहीं देखते हैं ना तो यूट्यूब इसे आगे नहीं बढ़ाता है, मेरी वीडियो वहीं की वहीं रह जाती है और बहुत लोगों को ये फायदेमंद, इतनी अच्छी स्टोरीज होती है आपको उनको नहीं मिल पाता है। तो लास्ट तक के देखे रहें आपके ही फायदे के लिए। तो देखते हैं ऐसे ऑन मोबाइल फोन। ऐसे आप सभी को पता है निबंध, ऑन यानी पर, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन यानी मोबाइल फोन। यहाँ पे हर चीज की इंग्लिश में मीनिंग, मतलब हिंदी में मीनिंग जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ही हैं, उसका हिंदी यदि बताऊं भी तो कोई काम का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको सिर्फ समझना होता है कि अच्छा इसे ये कहते हैं, उसका मीनिंग आप जानते हो, तो उसका हिंदी बताने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। ऐसे ऑन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन पर निबंध। मोबाइल फोन इज ऑफन, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। तो मोबाइल फोन है, ऑफन यानी होता है अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी, कॉल्ड, कॉल्ड यानी पुकारा जाता है या बोला जाता है, कहा जाता है, सेलुलर फोन, सेलुलर फोन, ठीक है, इसका भी हिंदी आपको नहीं बताऊंगा। तो मोबाइल फोन को अक्सर सेलुलर फोन भी कहा जाता है, कॉल्ड यानी कहा जाता है, पुकारा जाता है, एक ही मतलब है, ठीक है। तो मोबाइल फोन को अक्सर सेलुलर फोन भी कहा जाता है। पहला सेंटेंस क्लियर हो गया, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देंगे। फिर देखते हैं, इट इज अ डिवाइस, यह है एक डिवाइस, डिवाइस यानी यंत्र बोल सकते हैं, यह है एक यंत्र, मेनली, मेनली यानी मुख्यतः, मेन रूप से इसे बोलते हैं ना, मुख्यतः यूज्ड, यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है, यूज यानी प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, फॉर, फॉर यानी के लिए, अ एक वॉइस कॉल, वॉइस कॉल, वॉइस कॉल यानी, वॉइस कॉल यानी आप आवाज से कॉलिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं तो वॉइस कॉल कहते हैं, फोन में बात करने को वॉइस कॉलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, यह एक यंत्र है जो वॉइस कॉल करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली यानी मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यानी वर्तमान काल में, अभी के समय में उसे प्रेजेंटली कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीक, टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी रूप से, यहां पे देखेंगे एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट यानी होता है, एडवांसमेंट का मतलब होता है जो, तो जो एडवांस यानी होना है, क्या होता है एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति, यानी जो तकनीकी उन्नति है, जो विकास हो रहा है उससे क्या हो रहा है, देखिए, हैव मेड अवर लाइफ इजी, हैव मेड यानी बनाती है, मेड यानी बनाना, हमारे लाइफ को क्या बनाती है, अवर लाइफ, हमारे जीवन को इजी यानी आसान बनाती है। क्लियर हो गया, आज का जो तकनीकी उन्नति है वो हमारे जीवन को आसान बनाती है। क्लियर हो गया यहां तक, कोई भी समस्या नहीं है, आपको हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया। टुडे यानी आज, फिर देखिए टुडे यानी भी आज, विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल, देखिए हर वर्ड क्लियर हुआ आपको, विद द हेल्प यानी विथ यानी होता है के साथ या फिर से भी बोलते हैं, द हेल्प यानी मदद से, द हेल्प यानी मदद से, ऑफ अ मोबाइल यानी एक मोबाइल की मदद से, फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के मदद से, वी कैन, हम सकते हैं, कैन यानी सकना, क्या सकते हैं, ईजली यानी आसानी से, टॉक यानी बात करना, वी कैन ईजली टॉक, हम आसानी से बात कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आसानी से बात कर सकते हैं। देखिए होता क्या, यदि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो अटपटा हो जाएगा, लेकिन आपको उसे संभाल के बोलना होता है। जैसे यहां पे बता रहा हूं, वी यानी हम, कैन यानी सकना, इजी यानी आसानी,
टॉक यानी बात, तो ऐसे होगा क्या इसका मतलब? हम सकना आसानी बात, ऐसे तो कुछ होता नहीं है भाई, लेकिन आपको हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया, हम सकते हैं आसानी से बात, तो इसका आप संभाल के बोल दीजिए ना, क्या होगा? हम आसानी से बात कर सकते हैं, इजी। यदि मैं आपको कुछ चीज गलत बोल दूं, मैं बोलूंगा बाजार जाता हूं या फिर बाजार जाता मैं हूं, तो आप इसे संभाल के कैसे बोलोगे? मैं बाजार जाता हूं, यही यहां पे करना होता है। आप इंग्लिश के क्या होता है, उसके इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ट्रांसलेट कीजिए एक एक वर्ड की, उसे आप संभाल के बोल दीजिए, आपको ग्रामर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? वी कैन इजली टॉक, हम आसानी से बात कर सकते हैं। और यानी होता है ना, और यानी या वीडियो चैट, वीडियो चैट आप सबको पता है, वीडियो में जो बात करते हैं, वीडियो में देखे उसे वीडियो चैट कहते हैं। हम आसानी से बात कर सकते हैं और वीडियो या वीडियो चैट कर सकते हैं विथ यानी साथ, एनीवन यानी किसी, यानी किसी के भी साथ हम बात कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब होता है विश्व में कहीं भी। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब क्या होगा? दुनिया भर में। ठीक है, अक्रॉस यानी पार, ग्लोब आप सभी को पता है ग्लोब किसे कहते हैं, जो नक्शा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरी दुनिया में कहीं भी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं आसानी से और बात कर सकते हैं। बाय यानी द्वारा किससे कर सकते हैं? जस्ट मूविंग अवर फिंगर, जस्ट यानी सिर्फ, मूविंग यानी हिलाकर, अवर फिंगर्स हमारी उंगलियों को, केवल हमारी उंगलियों को हिलाकर हम क्या कर सकते हैं? किसी से वीडियो चैट और बात कर सकते हैं। यहां तक के एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस आपको क्लियर किया हूं, इसके लिए लाइक कीजिएगा यदि आपको वाकई में पसंद आया हुआ तो। नहीं आ रहा है तो अभी भी मत कीजिए, पसंद आया तब लाइक कीजिए। फिर देखते हैं टूडे, आज, मोबाइल फोन आर यानी है, आर वैसे हेल्पिंग वर्ब है लेकिन आर का मतलब क्या होता है? एक है तो इज होगा, लेकिन मोबाइल फोन इज होता, लेकिन मोबाइल फोन्स, देखिए ईएस लिखा हुआ है, फोन्स यानी एस लगा यानी प्लूरल बहुवचन, यानी बहुत सारे मोबाइल फोन के बारे में बात हो रही है, इसलिए आर का यूज हुआ है। मोबाइल फोन्स आर, केवल मोबाइल फोन होता तो एक मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन इज ऐसे होता है, ये भी क्लियर, ग्रामर भी आपको बता दिया। मोबाइल फोन्स आर, मोबाइल फोन है अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है अभी उपस्थित है, अवेलेबल है यानी यहाँ पे उपलब्ध है, इसका सही हिंदी होगा उपलब्ध है। इन वेरियस, इन यानी में, वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, शेप्स यानी आकारों में, वेरियस शेप्स बहुत सारे आकारों में, आकार प्रकार आप सभी पता है एक से एक मोबाइल डिजाइन का आता है। एंड और साइजेस यानी होता है, साइजेस यानी भी होता है आकार, शेप्स यानी होता है उसका बनावट, साइज यानी आकार। ठीक है, अलग अलग बनावट और अलग अलग आकार प्रकार के बहुत प्रकार के फोन्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। हैविंग डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हैविंग यानी उनमें है, हैविंग यानी कुछ चीज होना को हैविंग कहते हैं। डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। टेक्निकल यानी तकनीकी। स्पेसिफिकेशन यानी होती विशेषताएं, उसमें कुछ विशेषताएं को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, विशेष गुण उसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं। एंड हम बोलते हैं मोबाइल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज उसमें अच्छा अच्छा चीज दिए हुआ है, कैमरा कैसे है, बैटरी कैसे है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसकी क्वालिटीज है, वो कैसे है। एंड और आर है यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस लाइक, और यूज फॉर यानी उपयोग किए जाते हैं के लिए, किसके लिए किए जाते हैं? अ नंबर ऑफ पर्पसेस, नंबर ऑफ पर्पसेस यानी बहुत प्रकार के कारणों से, नंबर यानी जो होता है नंबर यानी बहुत प्रकार के, पर्पसेस यानी कारणों, नंबर ऑफ पर्पसेस यानी बहुत प्रकार के कारणों से हम क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं। लाइक यानी जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है और जैसे भी होता है। वॉइस कॉलिंग, तो भाई बहुत सारे फोन में हम यानी सभी फोन में हम वॉइस कॉलिंग करते हैं। वीडियो चैटिंग, वीडियो से चैट करते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग, मैसेज टाइप करने को टेक्स्ट मैसेजिंग कहते हैं। और एसएमएस आप सभी को तो मैसेज को ही एसएमएस कहते हैं, वैसे एसएमएस ये फुल फॉर्म नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म है, एस का अलग होता है, एम का अलग और एस का, तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस को हम एसएमएस कहते हैं। मल्टीमीडिया है ना, आप सभी को पता है, जिसमें फोन, जिसमें वीडियो, पिक्चर्स, इमेजेस, बहुत साउंड, इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया मैसेजिंग, तब इस मैसेज में हम ये सब चीज भेज सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग आप सभी को पता है, इंटरनेट आप सर्फिंग ब्राउजिंग करते हो, इसे इंटरनेट ब्राउजिंग कहते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? ईमेल आप सभी को पता है, इसका हिंदी ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ईमेल आप सभी जानते हैं। वीडियो गेम भी आप सभी को पता है। एंड और
फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी यानी होता है फोटोग्राफी, आप सभी को पता है जो फोटो वगैरह जो खींचने के शौकीन होते हैं उसे फोटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम इतने सारे चीज कर सकते हैं मोबाइल से, ये लाभ है उसके, अभी मतलब और लाभ अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। हैंस, हैंस यानी अतः, इसलिए इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है अ एक स्मार्टफोन, इसलिए इसे एक स्मार्टफोन कहा जाता है। स्मार्ट यानी क्या होता है, स्मार्ट यानी बहुत से लोग बोलते हैं सुंदर दिखने वालों को स्मार्ट बोलते हैं, नहीं भैया सुंदर दिखने वाले स्मार्ट नहीं बोलते हैं, स्मार्ट यानी होता है होशियार, यानी होशियार फोन है, चालाक फोन है, बहुत दिमाग वाला फोन है, उसे स्मार्टफोन कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे स्मार्टफोन कहा जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें करते हैं भाई एक ही मोबाइल में। कंप्यूटर यानी रखने की जरूरत नहीं है आपको, कैमरा रखने की जरूरत नहीं है आपको, वहां पे चिट्ठी पत्री लिख के भेजने की जरूरत नहीं है, अलग से फोन साथ में लेके घूमने, हर चीज तो उसी में हो जाता है, तो इसलिए स्मार्टफोन कहा जाता है। लाइक जैसे एवरी डिवाइस, हर यंत्र, द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन ऑल्सो, मोबाइल फोन को भी, हैज इट्स प्रोज, हैज यानी है, तो मोबाइल फोन का भी है, क्या है, हैज यानी उसके पास है, उसका है, इट्स यानी इसका, प्रोज यानी फायदे, प्रोज यानी होता है फायदे, लाभ जिसे कहते हैं हिंदी में, तो इसके भी यानी हर जैसे बहुत सारे जो डिवाइस होते हैं इसी प्रकार से मोबाइल फोन के भी इसके फायदे हैं एंड और कॉन्स, हानियां हैं, लॉस जिसे हम कहते हैं, इसके फायदे और नुकसान भी हैं, विच वी सेल डिस्कस नाउ, विच यानी जिसके बारे में, वी सेल या फिर वी विल का यूज होता है आजकल, वी विल हम करेंगे डिस्कस नाउ, वी विल का यूज या वी सेल का यूज कब होता है, फ्यूचर टेंस में, गा गी गे, डिस्कस यानी होता है चर्चा, तो हम करेंगे चर्चा नाउ यानी अब, यानी बहुत सारे डिवाइस के जैसे मोबाइल फोन के बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे नुकसान है, और इसके बारे में ही अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्यूचर टेंस का भी सेंटेंस आ गया, इससे पहले पास्ट टेंस का भी देखा, प्रेजेंट टेंस का भी देखा, इज वाला आर वाला जो था प्रेजेंट टेंस का था, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है इसके एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, एडवांटेजेस यानी इसके फायदे, मोबाइल फोन के फायदे, सबसे पहला फायदा क्या है, कीप्स अस कनेक्टेड, कीप्स यानी रखता है, रखना, अस यानी हमें, कनेक्टेड यानी जोड़े रखना, यानी हमें जोड़े रखता है मोबाइल, सबसे पहला फायदा तो ये है भाई, और आप सभी जानते हैं, पढ़ लेते हैं, नाउ वी कैन बी कनेक्टेड, अब हम, कैन यानी सकना, कैन बी यानी हो सकते हैं, कनेक्टेड यानी जुड़ सकते हैं, टू आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों से, टू यानी से, जब किसी से सम्मत बताते हैं किससे कहाँ जा रहे हैं, जैसे बाजार जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे टू का यूज होता है, या किसी दोस्त से, तो किसी से कुछ संबंध बताते हैं तो हम वहाँ पे टू का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन बी कनेक्टेड टू आवर फ्रेंड्स, अब हम हमारे दोस्तों से जुड़ सकते हैं, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों से, एट, एट यानी पर, एनी टाइम यानी किसी भी समय पर, किसी भी समय पर अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से हम जुड़ सकते हैं, वी वॉन्ट थ्रू many apps, we want यानि हमें चाहिए, through यानि द्वारा, many apps यानि एनी टाइम्स, वी वॉन्ट यानि हम जब भी चाहते हैं, वी वॉन्ट यानि हम जब भी चाहते हैं अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, थ्रू यानि द्वारा, किसके द्वारा, many apps यानि बहुत सारे एप्लीकेशन, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसके द्वारा अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। नाउ वी कैन टॉक, इसे टॉल करनी पड़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे, अब हम सकते हैं बात यानी अब हम बात कर सकते हैं, वीडियो चैट यानी वीडियो चैट में बात कर सकते हैं, विथ यानी होता है साथ या फिर से, हूएवर वी वॉन्ट, हूएवर यानी जिससे भी, हूएवर यानी जिस किसी से भी, वी वॉन्ट यानी हम जिस किसी से भी चाहते हैं उसके साथ, विथ यानी साथ वीडियो चैट कर सकते हैं, बाय जस्ट ऑपरेटिंग, बाय यानी द्वारा, जस्ट यानी सिर्फ, केवल, ऑपरेटिंग ऑपरेट करना यानी चलाकर, योर मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन यानी हम किसी से वीडियो चैट कर सकते हैं, मिल सकते हैं बिना केवल ऑपरेट करके, चला के अपने मोबाइल फोन या स्मार्टफोन को चला के हम ये सब चीज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, ये चीज याद रखें, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, मोबाइल ऑल्सो कीप्स अस, मोबाइल हमेशा रखता है अस यानी हमें, अपडेटेड, अपडेटेड यानी होता है, अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट का मतलब होता है कि जो नया कुछ,
नयाज कुछ होता है उसे अपडेट करना बोलते हैं, नयाज कुछ जी जानो से अपडेट कहना बोलते हैं। अबाउट यानी के बारे में, द होल वर्ल्ड, इसे होल नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू को छोड़ देंगे, होल डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल वर्ल्ड यहाँ पे डब्ल्यू को पढ़ेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू एच में डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू को पढ़ना है, होल वर्ल्ड यानी हम पूरी दुनिया के बारे में अपडेट रहते हैं, यानी पूरी दुनिया के बारे में हम जानते रहते हैं, है ना, जान जाते हैं मोबाइल के द्वारा। ये पहला इसका लाभ हुआ। सेकंड देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सेकंड इसका फायदा क्या है, डे टू डे कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग यानी होता है आदान प्रदान करना बातों का, विचारों का, कम्युनिकेट करना बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करना, विचार विमर्श करना कम्युनिकेटिंग होता है, ठीक। तो क्या क्या कम्युनिकेट होता है उसे देखते हैं। टूडे मोबाइल्स फोन्स हैज, फोन हैज, आज मोबाइल फोन हैज मेट Our life so easy, has made our life so easy, यानी आज मोबाइल फोन ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है, so easy यानी बहुत आसान बना दिया है। For यानी के लिए, daily life activities, daily life यानी जो हम रोज दिनचर्या के काम, उसे daily life कहते हैं, रोजमर्रा के कार्य daily life, activities यानी वही activities यानी क्रियाएं, गतिविधियां यानी रोज के जो गतिविधि हम जो भी करते हैं वो बहुत आसान बना दिया मोबाइल। Today यानी आज, वन कैन एक्सेस, वन कैन यानी कोई भी, एक्सेस यानी एक्सेस करना यानी चला सकता है, द लाइव ट्रैफिक, लाइव ट्रैफिक सिचुएशन, लाइव ट्रैफिक सिचुएशन यानी स्थिति, ट्रैफिक की स्थिति कैसी है, ट्रैफिक आपसे भी पता है जो अपने भीड़ भड़ाका का जो होता है उसका स्थिति हम जान सकते हैं कि रास्ता कैसे है, कहाँ से जाएगा, कहाँ भीड़ की स्थिति है, शॉर्टकट क्या है, तो हम लाइव ट्रैफिक की सिचुएशन भी जान सकते हैं, यानी अभी वहाँ पे कैसे है, अभी वहाँ क्या हो रहा है, वो रास्ता कौन सा, अभी के दिन में शॉर्टकट कौन सा, वो सभी बता देता है। ऑन मोबाइल फोन यानी मोबाइल फोन पर, एंड टेक, और टेक अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उचित, और क्या लेता है, उचित डिसीजन, और क्या ले सकता है उससे, उचित डिसीजन ले सकते हैं ना, उचित निर्णय ले सकते हैं मोबाइल फोन के द्वारा। टू रीच ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम यानी रीच यानी पहुंचना, ऑन टाइम यानी समय पर, यानी समय पर पहुंचने के लिए हम उचित निर्णय ले सकते हैं लाइव लोकेशन देखकर ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह के मोबाइल के द्वारा। क्लियर, लाइक कर दीजिए जो नहीं किए हैं, जो कर चुके हैं वो मत करना भाई, तो फिर डबल लाइक नहीं होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, अलॉन्ग विथ इट, अलॉन्ग यानी होता है, अलॉन्ग यानी क्या होता है, अलॉन्ग यानी होता है के साथ, इसके साथ, विथ इट, अलॉन्ग विथ इट इसके साथ ही, इट द वेदर यानी वेदर यानी होता है मौसम, अपडेट्स, अपडेट्स यानी वही होता है मौसम की जानकारियां, अपडेट यानी आने वाली जानकारियां, इसके अलावा मौसम की जानकारियां, बुकिंग अ कैब, कैब यानी होता है टैक्सी, आप सभी को पता है जो टैक्सी चलता है, यानी बुकिंग करना यानी उसे बुक करना, तो टैक्सी बुक करना, एंड और मेनी मोर यानी और बहुत कुछ, ठीक है। इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं, लाइव लोकेशन इसके अलावा ही, अलॉन्ग विथ इट इसके साथ ही साथ हम वेदर के अपडेट्स और अपने टैक्सी बुक करना और बहुत कुछ कर सकते हैं, मेनी मोर यानी बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरा फायदा इसका देखते हैं, इंटरटेनमेंट फॉर ऑल, इंटरटेनमेंट फॉर ऑल, इंटरटेनमेंट यानी क्या होता है, मनोरंजन, फॉर यानी के लिए, ऑल यानी सभी के लिए मनोरंजन, अब मोबाइल में मनोरंजन भी है, आपको क्या बताऊं, यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़ूंगा, आपको तो पता ही है। विद द इम्प्रूवमेंट, विथ यानी साथ या फिर से, द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट यानी होता है उसका विकास, उन्नति, ठीक है, ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल की तकनीक के उन्नति के साथ, द होल इंटरटेनमेंट वर्ल्ड, पूरा, द होल यानी पूरा मनोरंजन का जो दुनिया है, मनोरंजन की जो दुनिया है, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ल्ड होता है एक वर्ल्ड होता है, ये वर्ल्ड है, एल लिखा वर्ल्ड यानी दुनिया, और एक वर्ल्ड होता है, एल नहीं लिखा होता है, तो एक वर्ल्ड होता है डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड यानी शब्द, ये जो एक एक शब्द है इसे वर्ल्ड कहेंगे, और वर्ल्ड एल लिखा वर्ल्ड यानी होता है दुनिया, वर्ल्ड कप जो बोलते हैं ना, दुनिया का कप, वो अलग हो गया, और वर्ल्ड यानी अलग होता है, वर्ल्ड और वर्ल्ड, ठीक है, डब्ल्यू आर डी वर्ल्ड यानी एक एक शब्द हो गया, और वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, वर्ल्ड यानी दुनिया, तो जो पूरी जो दुनिया है मनोरंजन की दुनिया, इज यानी है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, नाउ यानी अब, अंडर वन रूफ, अंडर यानी नीचे, वन रूफ, इसे ओने नहीं पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, वन यानी एक, रूफ यानी छत, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की इतनी उन्नति हो चुकी है कि वो जो पूरा संसार है मनोरंजन की दुनिया वो एक छत के नीचे आ गई है, एक छत के नीचे यानी अपने घर के नीचे ही, एक छत के नीचे ही यानी एक जगह इकट्ठा हो चुका है, यानी आपके मोबाइल में ही आप हर चीज कर सकते हो, हर चीज देख सकते हो, हर जानकारी ले सकते हो,
इसलिए ऐसा सेंटेंस उसने बनाया है। बहुत अच्छा। फिर देखते हैं व्हेनेवर यानी जब भी, जब कभी, वी गेट बोर्ड, वी गेट यानी हम हो जाते हैं बोर्ड, बोर्ड यानी आप सभी को पता है उबासी यानी बोर हो जाना। अब इसको और क्या हिंदी में बताऊं, आप जब क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो विथ रूटीन वर्क। रूटीन वर्क क्या है, रोज के कार्य, ठीक है, डेली रूटीन बोलते हैं ना, यानी रोज के काम से आप जब बोर हो जाते हो, और या ड्यूरिंग द ब्रेक्स, ड्यूरिंग यानी दौरान, किसके दौरान, द ब्रेक्स, ब्रेक्स यानी होता है वही टुकड़े, अब यानी ब्रेक यानी अभी किसी भी चीज को तोड़ना नहीं होता, ब्रेक यानी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपने ब्रेक लिया, चलो आप नाश्ता कर लेता हूँ, फिर नाश्ता किए, थोड़ा सा ब्रेक लिए, चलो टहल लेते हैं, तो इस प्रकार से बीच बीच में ब्रेक आते हैं आपके जो डेली रूटीन में, तो उन ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक यानी गाने सुन सकते हैं, वी कैन, हम, कैन यानी सकना, लिसन यानी सुनना, लिस्टन नहीं बोलेंगे, लिसन बोलेंगे, हम सुन सकते हैं टू म्यूजिक यानी म्यूजिक सुन सकते हैं। वॉच मूवीज, वॉच यानी देखना, लेकिन ध्यान से देखने से वॉच का यूज करते हैं, सी मूवीज नहीं बोलेंगे, सी यानी ऐसी नॉर्मल देख लेना, लुक मूवी भी नहीं बोलेंगे, लुक यानी कोई बोलेगा लुक मूवी, मूवी देखो, वॉच मूवी यानी ध्यान पूर्वक देखना, उसे वॉचिंग कहते हैं, ठीक है, तो दोनों में अंतर है लुक सी और वॉच में। वॉच मूवीज यानी मूवीज देखना, फिल्मों को देखना। और क्या कर सकते हैं, अवर फेवरेट शोज, अवर यानी हमारे, फेवरेट यानी पसंदीदा शोज यानी प्रोग्राम जो होते हैं शोज, और या जस्ट वॉच, सिर्फ देखना द वीडियो ऑफ वंस फेवरेट सॉन्ग, या फिर सिर्फ हम वीडियो देख सकते हैं वंस यानी एक, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग यानी कोई एक पसंदीदा गाना, ठीक है, हम कोई पसंदीदा गाना का वीडियो भी हम देख सकते हैं। तो देखिए हम अपने क्या क्या कर सकते हैं, एक ही, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि एक ही छत के नीचे आ चुका है, इसमें हम गाना सुन सकते हैं मोबाइल से, डेली रूटीन में हम ये काम कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपना फेवरेट शो देख सकते हैं, और गाना वीडियो सॉन्ग भी देख सकते हैं। चौथा फायदा, मैनेजिंग ऑफिस वर्क, मैनेजिंग मैनेज करना, प्रबंध करना यानी अच्छे से काम धाम को निपटाना, ऑफिस वर्क, ऑफिस आप सभी को पता है कार्यालय से, वर्क यानी काम, यानी ऑफिस के काम को मैनेज भी आप मोबाइल से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। These days, अब देखिए this day नहीं लिखा है, these यानी एक से ज्यादा, क्योंकि days लिखा हुआ है, केवल day लिखा होता तो this day बोलते हैं। These day यानी इन दिनों mobiles are, mobiles हैं, used यानी उपयोग किए जाते हैं, use करना उपयोग करना, for यानी के लिए many types of official work, official work यानी बहुत प्रकार के, many types यानी बहुत प्रकार के ऑफिशियल यानी वही कार्यालय, जिसे बोलते हैं ऑफिस वर्क, बहुत प्रकार के ऑफिस वर्क, फ्रॉम यानी से, मीटिंग शेड्यूल्स, मीटिंग शेड्यूल यानी जो बैठक होती है उसकी शेड्यूल बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, यानी कि मीटिंग शेड्यूल से, फ्रॉम यानी से लेकर सेंडिंग एंड, सेंडिंग यानी भेजना, एंड और रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आप मीटिंग बनाने से लेकर डॉक्यूमेंट्स, आपसे बोल डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट कागजातों को भेजना और रिसीव यानी प्राप्त करना, सेंडिंग यानी भेजना, रिसीव यानी प्राप्त करना, डॉक्यूमेंट्स यानी कागजातों को, ठीक है। गिविंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यानी होता है प्रस्तुति देना, गिविंग यानी देना, प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन देना, या फिर अलार्म्स, अलार्म्स सबसे पता है मोबाइल में अलार्म्स भी होते हैं। जॉब एप्लीकेशंस यानी जो बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस भी होते हैं जिसमें जॉब्स के बारे में बताए जाते हैं। ईटीसी, अब ईटीसी क्या होता है सर, बहुत से लोग बोलते हैं, तो ईटीसी का जो, ईटीसी क्या चीज़ है, ईटीसी होता है शॉर्ट फॉर्म, ईटीसी को बोलते हैं हम एटसेट्रा, एटसेट्रा यानी इत्यादि और अलग और बहुत सारी चीज़ें उसे ईटीसी के, जैसे हिंदी बोलते हैं ना और इसके अलावा इत्यादि, गुलाब जामुन, मिठाई, जलेबी इत्यादि, इसी प्रकार से ये सब चीज़ें और इत्यादि, तो उसे ईटीसी, तो इसे बोलते हैं एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी। तो इतने सारी चीज़ें हम मोबाइल से कर सकते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ हमने, मैंने आपको बताया है, ये सब कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स है बिकम, मोबाइल फोन हो गया है बिकम, हैव बिकम यानी हो गया है, एंड एक एसेंशियल डिवाइस, एसेंशियल मतलब क्या होता है, अनिवार्य, एसेंशियल देखिए नया आपको जानने को मिले, एसेंशियल यानी होता है अनिवार्य, जरूरी यंत्र हो चुका है, डिवाइस यानी यंत्र, फॉर यानी के लिए एवरी वर्किंग पीपल, एवरी यानी हर कोई, वर्किंग यानी काम करने वाले पीपल यानी लोग, यानी हर काम करने वाले लोग के लिए मोबाइल अनिवार्य यंत्र हो चुका है, अनिवार्य डिवाइस हो चुका है, एसेंशियल डिवाइस बन चुका है। पांचवा देखते हैं और क्या फायदा है इसका, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप सभी को, बहुत लोगों को पता है मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, उसके बारे में बताया है। नाउ डेज यानी इस समय,
आपके समय में, नाउ यानी आप, डेज यानी समय, यानी आपके समय में मोबाइल्स आर, मोबाइल हैं, इवन यहां तक कि यूज एज अ वॉलेट, यूज यानी प्रयोग किया जाता है, एज यानी के रूप में, अ वॉलेट यानी एक वॉलेट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, वॉलेट यानी पर्स, पर्स यानी जहां पैसे रखे जाते हैं, यानी पैसे रखने की जैसे भी आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल का यूज कर सकते हो, पैसे भी रख सकते हो। कैसे? अब ऐसे नहीं कि मोबाइल को नट बोल्ट से खोले उसके अंदर पैसा घुसा के रख दिया, वैसे वाला वॉलेट नहीं है भाई, ये वॉलेट का अलग, मतलब आप सभी जानते हैं, मजाक कर रहा था। फॉर मेकिंग पेमेंट्स, फॉर यानी के लिए, मेकिंग यानी वो, मेकिंग यानी बनाना होता है, लेकिन मेकिंग यानी करना भी होता है, पेमेंट्स यानी पेमेंट करना, पेमेंट करने के लिए, पेमेंट यानी भुगतान करना। मनी कुड बी ट्रांसफर्ड, मनी कुड बी यानी हो सकता है, क्या हो सकता है, पैसा हो सकता है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड करना यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहां तक कि इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली यानी होता, सॉरी इंस्टेंटली लिखा हुआ, इंस्टेंटली लिखा हुआ, यहां पे क्या मोबाइल में ठीक से मुझे दिख नहीं रहा था, इंस्टेंटली यानी होता है तुरंत, यहां तक कि तुरंत, टू फ्रेंड यानी अपने दोस्तों से, यानी पैसों को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टेंट, यानी तुरंत आप अपने दोस्तों से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आप बैठे हो भाई यहाँ इंडिया में, आपका दोस्त अमेरिका में ही क्यों ना हो, बोलेगा दे दे यार मेरे को 200 रुपये, यार ट्रांसफर कर दे, मनी ट्रांसफर, आप तुरंत जो भी आपका मोबाइल ऐप है जिस, जो आप यूज करते हो जिससे ट्रांसफर आप कर सकते हो, तुरंत आप एक क्लिक में ट्रांसफर कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे वाइफ के में या कहीं भी ट्रांसफर करना है तो आपको फिर बैंक जाके निकालने की सभी जरूरत नहीं है, खास तौर पे अभी कोरोना पीरियड में तो इतना ज़्यादा यूजफुल है ना, क्या बताऊँ, कुछ भी लेना है मनी ट्रांसफर कर दो सीधा, आप नोट वगैरह छूने की कम से कम कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। रिलेटिव्स यानी अपने रिश्तेदारों को, और अदर और दूसरों को, बाय यानी के द्वारा, यूजिंग इस्तेमाल करके, मोबाइल बैंकिंग यानी मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करके दोस्तों और परिवार वालों या दूसरों से, इन द स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन से, मोबाइल फोन से आप मोबाइल बैंकिंग यूज करके ट्रांसफर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सॉरी ऑल्सो यहां तक के, ऑल्सो यानी यहां तक के, वन कैन ईजली, कोई एक, वन कैन यानी कोई एक, ईजली यानी आसानी से, कोई भी आसानी से, एक्सेस, एक्सेस यानी उपयोग करना, हिज यानी उसका, हर यानी उसकी, उसका या फिर उसकी अकाउंट को, अकाउंट डिटेल को क्या कर सकता है, एंड ईजली एक्सेस यानी उसके अकाउंट डिटेल को आसानी से एक्सेस कर सकता है, और नो यानी होता है जानना, पास्ट ट्रांजेक्शन यानी उसके अकाउंट को जान सकता है कि मैंने इसके साथ क्या क्या पुराना ट्रांजेक्शन किया था, ट्रांजेक्शन यानी होता है लेन देन, पुराना क्या क्या लेन देन किया, ये भी आप मोबाइल से देख सकते हो कि इससे मैंने क्या दिया था, कितना पैसे इसने दिया था, मैं क्या दिया हूँ, डेट वाइज पूरा आपको जानकारी मिल जाती है। पहले तो नहीं पता था, पासबुक एंट्री कराते थे तभी पता चलता था 200 कहाँ गया भाई, मेरे पता नहीं चल रहा है, बैंक वाला चिल्लाते थे, आजकल पता चल जाता है 200 इसमें कटा, 200 वाला इसको दिया, 500 रुपये यहाँ गया, इसका पेमेंट आया, इतना आपको चूना लगा, सब चीज़ हमें पता चल जाता है उसका, देखते हैं। So it saves a lot of time. So इसलिए या फिर तो it saves, ये बचाता है a lot of time. Lot of time यानी बहुत सारा समय, lot यानी बहुत सारा, of time बहुत सारा समय बचाता है, and or also hassle free. Hassle free का मतलब क्या होगा, नया आपको जाने मिला, hassle free यानी होता है बिना परेशानी के, और ये बिना परेशानी के होता है, आपको कुछ ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, एक बार लॉगिन वगैरह करना पड़ता है फिर आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, hassle free, चिंता मुक्त, आसानी से, क्लियर होगा। ये तो था आपका लाभ, बहुत ज्यादा समय लिया, अभी बचा है भाई, अभी ऐसे नहीं कि जाने दे दूंगा आपको, आप बोलते हो ना लो ना सर जितना लंबा टाइम लेना है तो जबरदस्ती ले लूंगा भाई, यहाँ पे दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे डिसएडवांटेज यानी क्या होता है, इसका जो होता है हानि, इससे जो हमें नुकसान होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, अलग अलग आपको बता दिया, डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गया। एडवांटेज यानी होता है लाभ, और डिस यहाँ वहाँ पे लग गया यानी उसकी हानि, यानी उससे जो नुकसान है, ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन से जो भी हानि होती है, नुकसान होती है। पहला सबसे बड़ा नुकसान होता है वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग यानी होता है बर्बाद होना, टाइम यानी समय की बर्बादी, इसका मतलब ये है। नाउडेज फिर वही आया, अब के समय, नाउडेज यानी अब के समय, पीपल लोग Have become यानी हो गए हैं addicted, addicted यानी होता है आदि हो जाना, ठीक है, आदि हो चुके हैं टू मोबाइल, क्यों have का यूज हुआ था, चुका है, चुके हैं, तो have का यूज करते हैं। इन दिनों लोग, पीपल या लोग क्या हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं टू मोबाइल्स, यानी मोबाइल के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं, मोबाइल के प्रति
एडिक्ट अभी आपको बताया था उसके पति प्रति क्या हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के। इवन यहां तक कि व्हेन जब वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं होती है, डोंट नीड यानी जरूरत नहीं होती है, टू मोबाइल यानी मोबाइल की जरूरत नहीं होती है, तो भी वी हम सर्व, सर्व करना यानी आप सबको तो सर्फिंग यानी मोबाइल जो हम ब्राउजिंग सर्फिंग मोबाइल चलाने को ही सर्फिंग कहते हैं मान के चलो, वी सर्व द नेट यानी नेट में जो भी कुछ चलाने को हम सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेट में सर्फिंग करते हैं। वैसे तो सर्फिंग आपसे को पता है, सर्फिंग यानी क्या होता है, जो समुद्र में आप देखे होंगे ऐसे पैर के नीचे गत्ता जैसे लगाए रहते हैं और उसे क्या करते हैं सर्फ करते हैं तैरते हैं, उसे भी सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही सर्फिंग है। वी सर्व द नेट, नेट सर्फिंग करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है तो भी जबरदस्ती करते हैं। प्ले गेम्स, खेल खेलते हैं। मेकिंग अ रियल एडिक्ट यानी गेम खेलना तो सबसे ज्यादा एडिक्शन बताता है, सबसे ज्यादा आदि बताता है, असली आदत तो यही हो गया गेम खेलना, खासतौर पर पबजी वाले। भाई पबजी वाले चिल्लाना मत कुछ पे, लेकिन बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं लोग यानी उसे बहुत ज्यादा उसमें खो जाते हैं। एज मोबाइल फोन्स बिकम स्मार्टर, जैसे मोबाइल फोन क्या हो रहे हैं बिकेम यानी हो गए हैं स्मार्टर यानी बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं। पीपल बिकेम डम्बर, और लोग हो गए हैं बिकेम यानी बन गए, हो गए हैं डम्बर, डम्बर यानी होता है बेवकूफ। यानी फोन जितने स्मार्ट होते जा रहे हैं लोग उतने ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं। क्यों? पहले हम फोन नंबर याद करते थे, अब याद करने की जरूरत नहीं है, अपना ही दो सिम है तो एक ही सिम का नंबर याद है, नया जियो का ले लिया उसका याद नहीं है। तो अब लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं यानी लोग दिमाग का यूज कम कर रहे हैं। कुछ चीज जोड़ना घटाना है, पहले उंगली उंगली निकाल के बैठ जाते थे, उंगली के लकीरों को गिनते थे, अब क्या करते हैं मोबाइल निकाल लिए, गुड़ा भाग कर लिए, आ गया भाई आंसर। और कुछ चीज करना है, किसी चीज की वर्ड की मीनिंग तो दिमाग में जोड़ नहीं डालना है, सीधा डालते हैं नेट में, गूगल में सर्च मारते हैं, मिल गया भाई हमको तो आ गई इंग्लिश। तो लोग क्या हो रहे हैं बेवकूफ बनते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मोबाइल के फायदे आपको बताया क्या क्या फायदा है। सेकेंड इससे क्या नुकसान है, मेरे ख्याल से बस इतना ही बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। सेकेंड नुकसान देखते हैं, दो दो चार चार लाइन का है। मेकिंग अस नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल यानी होता है वही बता रहे कम्युनिकेट करना यानी मिलना जुलना, नॉन कम्युनिकेबल यानी किसी से मिलना जुलना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, वाइड यूजेस यानी वाइड यूज यानी बहुत ज्यादा उपयोग, वाइड यानी वैसे तो चौड़ा होता है चौड़ाई, लेकिन इसे हम विस्तार भी बोल सकते हैं यानी बहुत ज्यादा उपयोग। वाइड यूजेस ऑफ मोबाइल्स, मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग हैज रिजल्टेड यानी इसका रिजल्ट क्या आता है, इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, इन लेस मीट यानी कम मिलना, लेस मीट यानी कम मिलना जुलना, एंड टॉक मोर और बात ज्यादा करना। यानी मोबाइल के ज्यादा उपयोग से क्या हो रहा है, मिलना कम और बातें ज्यादा। अब आपके भाई किसी के यहाँ परिवार में कोई तबीयत खराब है तो पहले आप जाके मिलते थे, क्या हुआ भाई कैसे हुआ, या चिट्ठी भी पहुंचा तो कई दिनों बाद जब ठीक हो जाता तब तो चिट्ठी पहुंचता था, तो या तो आपको मिलने जाना पड़ता था। लेकिन अब मोबाइल में क्या हो गया, तुरंत फोन करते हो, पूछ लेते हो, या फिर मैसेज ही कर देते, यहाँ तक तो बात भी नहीं करते, व्हाट्सएप में ही मैसेज कर दिए, कैसे हैं सब बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, हो गया जान पहचान, मतलब जानकारी मिल गई, ठीक है भाई वो करके। तो वहां पे क्या है, मिलना जुलना कम हो रहा है और बातें ज्यादा हो रही है। नाउ पीपल डोंट मीट फिजिकली, देखिए मैंने अभी बोला ना, अब पीपल नहीं मिलते, नॉट मीट यानी डोंट मीट यानी नहीं मिलते हैं फिजिकली, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से यानी वहां उपस्थित होकर फिजिकली कहते हैं, शारीरिक रूप से नहीं मिलते हैं। रेदर चैट, रेदर यानी क्या होता है, बल्कि चैट करते और कमेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप सभी को पता है, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया बोलते हैं। तो मिलते जुलते नहीं है और सोशल मीडिया पे चैट कर देते हैं, और क्या हाल चाल, गेट वेल सून, ऐसे मैसेज लिख दिए, काम अपना बन गया भैया, ठीक हो जाना हो। फिर देखते हैं थर्ड, लॉस ऑफ प्राइवेसी, ये बहुत बड़ी चीज है, आपको ध्यान देना होगा। लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस यानी खोना, प्राइवेसी यानी क्या होता है, आपकी जो सुरक्षा होती है, प्राइवेसी होती है, सुरक्षा जो होती है उसे खो देते हैं आप। कैसे खो देते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं, इट इज अ मेजर, ये बहुत बड़ा, मेजर यानी बहुत बड़ा, क्या ये कंसर्न, इसे कंसर्न ऐसे कंसर्न पढ़ेंगे, कंसर्न कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, कंसर्न यानी चिंता का विषय है, चिंता है, ये बहुत बड़ी चिंता है। नाउ यानी अब, ऑफ लूजिंग वंस प्राइवेसी, लूजिंग यानी होता है खो देना, ठीक है, लूजिंग योर वंस प्राइवेसी यानी किसी एक की प्राइवेसी सुरक्षा खो देते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ मच मोबाइल यूजेस, मच यानी बहुत ज्यादा मोबाइल की यूजेस करने से किसी की भी हम क्या प्राइवेसी को खो देते हैं।
टुडे एनीवन कुड इजीली एक्सेस, टुडे यानी आज के दिन, एनीवन यानी हर कोई, कोई भी, कुड यानी सकता है, क्या सकता है, इजीली यानी आसानी से कर सकता है, एक्सेस यानी एक्सेस करना, किसी का उपयोग कर सकता है, द इंफॉर्मेशन यानी जानकारियों को एक्सेस कर सकता है, निकाल सकता है, लाइक जैसे कि, वेयर यू लीव, वेयर यानी कहाँ, यू यानी तुम, लीव यानी रहना, तुम कहाँ रहते हो भाई, जान जाएगा, आप तो लिख रहे हो ना, मैं रायपुर में यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरा कॉलोनी है, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे भुट्टा खा रहा हूँ, यहाँ गार्डन में मैं घूम रहा हूँ, अब वो जान गया, पता चल रहा है आपको खोज रहा है, हो सकता है आप एक फीमेल है, लड़की है, लड़कों को भी ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर लड़कियों के लिए, मान लीजिए आप सब चीज़ बता रहे हैं, यहाँ हूँ, ऐसे हूँ, हो सकता है कोई आपका पीछा कर रहा है, हो सकता है कोई जानना चाहता है आप कहाँ पे हो, वो तो जान जाएगा ना भाई, आप इस एरिया में रहते हो, उस एरिया में घूमेगा, कभी ना कभी तो हम भी ले जाओगे, तो ये भी एक प्राइवेसी का, इसलिए आप कभी डालते हो फोटो वोटो भी, तो ज़्यादा कोशिश करें ऐसी जगह डालें जो ज़्यादा लोग जानते ना हो, या ऐसी जगह जाके खिंचवाए पे क्लिक करें कि जहाँ पे लोग जानते तो हो जगह को, लेकिन वो आप वहाँ रहते ना हो, ठीक है, किसी दूसरे के गार्डन में चले गए जहाँ आप नहीं रहते हो, ठीक, इस प्रकार से आप समझ गए, तो लोकेशन को जान जाते हैं, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली यानी तुम्हारे दोस्त और परिवार के बारे में जान गए, ठीक है भाई, आपके बारे में कुछ शिकायत करनी है किसी को तो नहीं जान रहे आपके दोस्त और फैमिली कौन से, लेकिन आप जान गए, अच्छा माई पापा लिखे हो आप, उनको टैग किए हो, पापा का नंबर जान गए, पापा को टच किए, वहाँ पे बता रहे हैं आपके पापा को, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है, तो आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बढ़िया सर तो अच्छा अच्छा तरीका बता रहे हैं, मैं आपको सेफ होने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे ना करें ताकि आप सेफ रहें, ना कि आप मिसयूज़ करो, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है, आपका काम, कि आप क्या काम करते हो, व्यवसाय को ऑक्यूपेशन कहते हैं, आपका काम क्या है आप बता देते हो, जैसे मैं ही बता देता हूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, लेकिन लोग जान तो गए हैं ये टीचर है करके, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, हो सकता है कोई लोग नहीं बताना चाहते, लेकिन आप फोटो ऐसे डाल दो कि लोग समझ गए, अच्छा ये फोटो है, इसमें आप ये करते हो ना, समझ जाते हैं। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है, वही बताया ना, आप लिख देते हो, मेरा, मेरे घर में आज बारिश हुई, आप ही के घर में नहीं हुई, आपके कॉलोनी में हुई, लेकिन आप बता रहे हो मेरे घर में बारिश हुई, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ऐसे है हमारी कॉलोनी, ये है सब चीज़, ETC आपको बताया था, एटसेट्रा इत्यादि, और बहुत सारी चीज़ें वो जान सकते हैं। बाय जस्ट इजली ब्राउजिंग थ्रू, बाय यानी द्वारा, जस्ट इजली आसानी से, ब्राउजिंग ब्राउज करके, थ्रू यानी के द्वारा, योर सोशल मीडिया मीडिया अकाउंट, तुम्हारे आपके सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा ये सब चीज वो जान सकते हैं। चौथा और लास्ट, ठीक है, चौथा लास्ट, मनी वेस्टेज, मनी यानी रुपयों का, पैसा का, वेस्टेज यानी होता है उसका व्यर्थ करना, यानी पैसा व्यर्थ करना, एट द यूजफुलनेस, सॉरी हाँ, एट द यूजफुलनेस यानी इसका यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल्स यानी मोबाइल के यूजफुलनेस यानी बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता के कारण, यूजफुल यानी उपयोगिता के कारण, हैज़ इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो चुका है, क्या हो चुका है, इंक्रीज, सो देयर तो कॉस्टिंग, सो देयर कॉस्टिंग यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कॉस्टिंग यानी होता है उसका जो कॉस्ट यानी होता है उसका जो कीमत है, हाँ उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंक्रीज यानी बढ़ जाना, यानी कि इसका जो बहुत ज़्यादा उपयोगिता को देखते हुए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जानबूझ के रेट को बढ़ा दे रहे हैं, मोबाइल में कुछ है नहीं, वही वही कैमरा है सब चीज़ है, लेकिन अब ब्रांड बन गया है तो डेढ़ लाख का दे रहे हैं, 80,000-90,000 का फ़ोन बेच रहे हैं, 60,000 का बेच रहे हैं, 30,000 का बेच रहे हैं, बात ही करना, चैट ही करना सब फोन में होता है, लेकिन जानबूझ के क्वालिटी ये है वो है करके देख रहे हैं, सबका यूज़ बढ़ गया, कैमरा किसी को ज़्यादा यूज़ है, कैमरा अच्छा दे दिए, किसी को गेम में ज़्यादा अच्छा उसको प्रोसेसर चाहिए तो प्रोसेसर बढ़ा के दे दिए, किसी को अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो डिस्प्ले बढ़ा के रेट बढ़ा दिए, उसके यूजफुल को देख के उसका रेट बढ़ा दिए। टुडे पीपल, आज लोग आर हैं, क्या हैं, स्पेंडिंग यानी खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, अ लॉट अमाउंट, बहुत सारे कीमत, बहुत सारे पैसे, ऑफ मनी यानी पैसों को, बहुत सारे पैसों की कीमत को, ऑन बाइंग, खरीदने पर, स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन को खरीदने पर बहुत ज़्यादा पैसे का क्या कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे, खर्चा कर रहे हैं। विच कुड रेदर बी स्पेंड ऑन मोर यूजफुल थिंग्स, विच कुड यानी जिसे कर सकते थे, जिसे कर सकते थे, रेदर बल्कि जिसे हम क्या कर सकते थे, बी स्पेंड यानी खर्च कर सकते थे, ऑन मोर यूजफुल थिंग यानी और ज़्यादा उपयोगी वस्तुओं में हम खर्च कर सकते थे, मोबाइल फोन में ज़्यादा खर्चा करने से अच्छा और कुछ जरूरी चीज़ों हम ज़्यादा खर्च कर सकते थे, लाइक एजुकेशन, जैसे कि
शिक्षा में हम ज्यादा खर्चा कर सकते थे, यानी 20-60 हजार का मोबाइल ना लेके हम 10 हजार का मोबाइल लेते और बाकी हम 40 हजार का कुछ कोर्स कर लेते, कुछ और पढ़ाई करते, हम ऐसे भी और अदर और दूसरे यूजफुल थिंग्स और दूसरे बहुत सारे जरूरत की चीजें, काम की चीजें इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में, ठीक है। तो ये था उसका लॉस। अब निकलता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी होता है उपसंहार, यानी इसका निष्कर्ष, इसका एंडिंग क्या होगा। अब हम लाभ हानि दोनों देख लिए, एंडिंग देखते हैं भाई, स्टोरी खत्म हो जाएगी। मेरे पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ। मोबाइल फोन कुड बोथ बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। मोबाइल फोन कुड यानी हो सकता है, बोथ यानी दोनों, बी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव, और निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, निगेटिव यानी नकारात्मक, पॉजिटिव यानी अच्छा, निगेटिव यानी गलत, मान के चलिए एक हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है मोबाइल के यूज, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग निर्भर करता है ऑन हाउ अ यूजर यूज, ऑन यानी पर, हाउ यानी कैसे, अ यूजर एक प्रयोग करने वाला, यूज करने वाला, यूजेस यानी प्रयोग करता है, यानी डिपेंड करता है कि एक यूजर मोबाइल के यूजर उसका यूज कैसे कर सकता है। आप मोबाइल में अच्छी चीज भी ढूंढ सकते हो, आप मोबाइल में गलत चीज भी ढूंढ सकते हो। कोई मोबाइल में सब्जी बनाना सीख रहा है, कोई मोबाइल में कुछ और गलत चीज बनाना सीख रहा है कि भाई ऐसे कैसे करें, मसाला कैसे बनाएं, फोड़ने का चीज कैसे बनाएं, बम कैसे बनाएं, तो गलत चीज भी यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अच्छी चीज उसमें सर्च करते हो कि गलत, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एज मोबाइल्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, जैसे जैसे मोबाइल्स है, मोबाइल हो चुका है, बिकम यानी बन चुका है अ पार्ट, एक हिस्सा ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का। सो इसलिए वी शुड यूज, हमें चाहिए, शुड यानी चाहिए, हमें चाहिए, यूज यानी हमें उपयोग करना चाहिए, इट यानी इसे, इन अ प्रॉपर वे, इन यानी में, अ यानी एक प्रॉपर वे यानी अच्छी तरीके से हमें यूज करना चाहिए, सही सही रास्ते पे, प्रॉपर वे यानी सही जगह हमें यूज करना चाहिए। केयरफुली यानी बहुत ध्यानपूर्वक, फॉर आवर बेटर हैजल फ्री लाइफ। केयरफुली ध्यानपूर्वक हमारे हैजल फ्री, मैंने आपको बताया था हैजल फ्री यानी बिना परेशानी के जीवन के लिए हमें उसे उपयोग करना चाहिए, रेदर बल्कि यूजिंग इट, बल्कि इसे हम प्रयोग करें इम्प्रॉपरली यानी वही गलत तरीके के लिए, एंड मेकिंग और बनाएंगे इट अ वायरस इन लाइफ, यानी बनाकर, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम मोबाइल का यूज केयरफुली, अच्छी तरीके से, ध्यानपूर्वक हम हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, बिना परेशानी का बना सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में वायरस के रूप में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने मोबाइल को अपने लाइफ के लिए अच्छे से यूज करना चाहते हो कि हमारे जीवन में विष खोलना चाहते हो इस मोबाइल से, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो बहुत लंबी स्टोरी थी, बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन बहुत मेहनत लगी है क्योंकि रुकता नहीं हूँ मैं, ना कट लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ, डायरेक्ट बोलते जाता हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कहाँ पे क्या बोलना, कई बार कई जगह लंबा समय ले लेता हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, लाइक बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो लाइक करें शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।